यहाँ पे हमारी सारी बहनें, और मुद्दा क्योंकि बंगाल की धरती आएंगे तो दिल्ली की प्रेस भी पूछती है कि बंगाल में क्या लेने जा रहे हैं। ये 29-30 तारीख के बाद में नहीं पूछेंगे। फिर हमने कहा कि दिल्ली से जो सरकार है वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में तो 5 महीने से किसान बटे हुए हैं, दिल्ली की सरकार बंगाल गई है तो उसको तलाश करने जा रहे हैं हम। बंगाल के किसान से जब ये गांव में जाते हैं तो एक मुट्ठी चावल मांगते हैं। हमने किसान से कहा कि ये एक मुट्ठी चावल मांगते हो तो आप इसकी कीमत मांग लो कि जो भारत सरकार ने इसकी कीमत तय करी है वो कीमत क्या है, वो कीमत हमको देकर दे। ये अभी मिल सकते हैं आपको, ये 30-1 तारीख में यहां से चले जाएंगे सब लोग, ये देख भी आएंगे, फिर आएंगे 2023 के आसपास ही आएंगे, फिर तो ढूंढते रहना इनको। तो लोग वहां के प्रेस कि आप वोट की भी बात करोगे, जब यहां पे आएंगे बंगाल में आएंगे चुनाव है तो वोट की भी बात होगी, और अगर वोट की बात होगी तो बीजेपी के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट दे दो, हम कहेंगे कि इसने पूरे देश को खराब स्थिति में करा है, और जो किसानों के काबू ये पिछले 5 महीने से नहीं आए, ये बंगाल की जनता के काबू नहीं आ सकती, ना बंगाल के लोग वहां पर जाकर लड़ाई लड़ सकता, इनको घेरना पड़ेगा बंगाल में, जहां जहां चुनाव होंगे इनको चुनाव में ही घेरना पड़ेगा इनको, और इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा। बंगाल के लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको घेरे, इनके खिलाफ वोटिंग करें तो ये कुछ काबू में आएंगे, सरकार चली जाएगी 2-3-4 तारीख के बाद में, बातचीत होगी क्या होगा, कोविड भी साथ साथ जाएगा उनके, अभी वहां पर नहीं है, कोविड जाएगा 3 तारीख के बाद में, उसकी पूरी उसका फॉर्मूला बनाएंगे, कोई ना कोई ऑर्डर जाएंगे बांधा जाएंगे, और फिर देश को फिर लॉकडाउन के शिकंजे में फंसाएंगे, फिर कुछ चीजें बेचनी होगी तो उसको बेचेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया बहाना है कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज है उसको लगाओ, पुलिस के हाथ में पूरा देश दे दो, लोगों को सड़कों पर बाहर ना निकलने दो, स्कूलों को बंद करो और देश को बेचने का काम करो। हमने कहा कि ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है जो दिल्ली के चारों तरफ है, कोई भी एजेंसी इनके खिलाफ फैसला लेने से पहले सोच लेना ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे। वे हमारे गांव हैं जहां पे हम पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, वे हमारे गांव हैं, हमारे घर हैं, हमने पक्की कंस्ट्रक्शन वहां पर कर ली, जो गाइडलाइंस कोविड की होगी उसका पालन करेंगे, खाली नहीं करेंगे, ये पूरी तैयारी किसान ने कर ली वहां पर, क्योंकि जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद है ये 1-8 साल ऐसे चल जाना तो पूरी एक स्पीड भी तो बर्बाद हो ही जाएगी, बच्चों पूरा खत्म हो पाएगा। हमने उनको कहा कि भाई जो 20 लाख करोड़ रुपया जो आपने निकाला वो जो स्कूल थे उनको भी दे देते, कुछ थोड़ा बहुत स्कूल के भी काफुआ जब तक स्कूल वाले फीस माफ कर देते कुछ तो भी किसने किसी माध्यम से हमारे बच्चों के पास तक चल जाता, उन फैमिली के पास चल जाता, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया जो कोविड के नाम पर निकाला, कोविड के टाइम पर निकाला, उसका कुछ नहीं पता चला कि वो गया कहां, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कौन सी एजेंसी होगी कि जिससे जांच करवाई जाए, वो कोई एजेंसी नहीं है। जब बहुत सी 23 से 26 बड़े संस्थान बेच दिए, उसके बाद में एग्रीकल्चर का एक सेक्टर, इसमें भी बड़ी नजरें हैं कि इसको भी बेचने का काम करो, मतलब कौन सा फार्मूला है
अभी गुजरात के अंदर गए, 60 गांव की जमीन रिलायंस कंपनी को दी, जो बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन थी, जहां पे एक आम की एक बढ़िया वैरायटी वहां पे पैदा होती थी। वो आम की वैरायटी का जो क्षेत्र था वो रिलायंस कंपनी को दिया, जो बॉम्बे में बैठ के खेती गुजरात के गांव में करेगा, वो प्रॉफिट में रहेगा। और जो गुजरात के गांव का जो किसान था, वहां खेत में कपड़े काम करता था, वो नुकसान में था, वो कौन सा फार्मूला है? अभी और गांव की जमीन वहां पर ले रहे हैं खेती के लिए जमीन, इंडस्ट्रीज के लिए तो, सड़कों के लिए तो आपने जमीन जाती भी देखी होगी, लेकिन खेती करने के लिए जमीनों का अधिग्रहण और पूरे के पूरे गांव लिए जाते हो। अभी 7 गांव की जमीन अडानी के लिए ली और 8 गांव के होम्स में डिमार्केशन हो गया, 8 गांव की और जमीन जाएगी, क्योंकि वहां पे आंदोलन नहीं है। गुजरात में पार्टी नहीं कोई सरकार चलाती, वहां की पुलिस स्टेट है, वो वहां पे पुलिस कानून है, पूर्ण रूप से पुलिस चलाती है उसको। और गुजरात मॉडल की बात करते हैं, युवराज सिंह वहां पर गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठाकर बीच में से ही पुलिस लेके इनको गई, वो गुजरात मॉडल है। यहां पे भी अगर उनकी सरकार बनेगी तो यही मॉडल यहां पे भी लागू होगा, आपके फसलों की लुटाई होगी। जो यहां पे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, बहुत से जो सर्व कानून थे वे बदल दिए गए, उनमें बहुत सख्ताई से वे लागू होंगे। जो यहां पे टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं, वो 15 साल पुरानी टैक्सी भी बंगाल के अंदर नहीं चलेगी, अभी बहुत टैक्सियां यहां पे पुरानी है जो चलती है, वे कई हजार लाखों टैक्सियां वे बंद होंगी। और एक किस्म से पूरा टारगेट उनका पूरे देश की नजरें बंगाल के ऊपर है, उनको और जगह नहीं पता कि 4 जगह और चुनाव हो रहे, वहां का जिक्र नहीं करते क्योंकि वहां वे हार रहे हैं। वो सिर्फ बंगाल को, पूरे देश को यही पता है कि बंगाल में ही चुनाव है, और बड़े चिंतित है लोग, अगर बंगाल से ये चुनाव जीत गए बीजेपी के लोग तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश पे इनका वर्चस्व हो जाएगा, तो बड़े चिंतित है लोग। जब बंगाल आने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहां की बात उनको बताना, बंगाल के लोगों को, कि जैसे हम इन्होंने पूरे देश को बर्बाद करा, ये बहुत ताकत के साथ में फिर सामना करेंगे, वहां का मुकाबला तो हम करेंगे, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने का, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर हमको। और एक जो बंगाल का नाम है, जब यहां से ये हार कर जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे दुनिया की नजरें बंगाल पे हैं। अगर आप इनको यहां से हरा कर भेज दोगे तो इनका मनोबल डाउन होगा, इनकी ताकत कम होगी, तो ये काम आप जरूर करना। और इनसे पूछना कि दिल्ली के चारों तरफ आज भी 25,000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है, पिछले 5 महीने हो गए, और इनको छोड़ेंगे नहीं हम। वहां का किसान, वहां का मजदूर, वहां का दुकानदार, जो ये दुकान खुली हुई है शहरों के अंदर, ये कोई बड़ी इंडस्ट्रीज वालों की फैक्ट्रियां हैं, दुकानें नहीं है, ये दुकानदार भी सब साथ में है, क्योंकि अगर 2 मॉल एक शहर में खुल जाएंगे तो ये दुकान भी खत्म हो जाएगी, ये भी बेरोजगार होंगे। इनका बहुत सारा होता है, जो नुक्कड़ पर दुकान होती है, जो शहर की जो दुकान होती है, वो एक दुकान 100 परिवारों से भी ज्यादा को उधार सामान देती है, लेकिन जब मॉल खुल जाएगा तो उसके मालिक का भी नहीं पता कि कौन है, वो सिर्फ उस पर कीमत लिखता है और मशीन के नीचे लगाएगा उसकी क्या कुछ पे कीमत लिखी हुई है, वो एड होती है, कोई सौदेबाजी नहीं कि कम कर ले या ज्यादा कर ले।
अभी वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी यहां पर, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका टारगेट होगा कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जो दुकानें, जो दुकानों के बाहर जो रेहड़ियां लगती है, उनका टारगेट होगा कि सब चीज खत्म होंगी। ये हटेगी यहां से, सब 4.5 करोड़ लोग होंगे वे जो अपना गुजर बसर करते हैं, वे कहां जाएंगे? ये लोग जो साप्ताहिक बाजार में अपना काम करते हैं, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, दुकान नहीं है, कोई ठेकेबंदी नहीं है, वे आज यहां पर दुकान लगाते हैं, कल दूसरी जगह लगाते हैं, वे सस्ते में खरीदते हैं तो सस्ते में बेचते भी हैं। बहुत से और कृषि के कानून आ रहे हैं, सीड भी ला रहा है, बीज कानून वो देश में आ रहा है, बीज के थाने खुलेंगे, बीज बेचना अवैध होगा पूर्ण रूप से, किसान बीज रख नहीं सकता, अपने घर में उसको दे नहीं सकता किसी को, तो इस तरह का बहुत षड्यंत्र आ रहा है। एक बिजली का कानून आ रहा है, बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, उसमें अगर गांव में कोई आदमी है और उसके पास में 2 पशु होंगे तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो इसलिए कि देश से पशुधन खत्म हो। दूध का एक एग्रीमेंट हो रहा, वो बाहर से दूध आएगा विदेशों से, उससे भी होगा कि जब वो बाहर से दूध आएगा, हमारे जो यहां पर पशुपालन जो किसान है वो खत्म हो। तो पूरी तरफ से खेती किसानी को घेरने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहां बंगाल के किसान को तो पता ही नहीं कि एमएसपी भी कोई चीज हो, क्योंकि कभी खरीद हुई नहीं, जब से धान का जिक्र नहीं करा इन्होंने, चावल का जिक्र नहीं किया। जब पहली बार आया और किसानों को कहा कि आप ये चावल, एक मुट्ठी चावल नहीं, आपके एक मुट्ठी चावल में आपकी वोट मांग रहे हैं, आप इनसे 765 रुपए का जो रेट है वो इनसे मांगो, मक्का 1000 रुपए 800 रुपए यहां पर बिकती है, उसका भी रेट मांगो। तो मजदूर नौजवान जो बेरोजगार होता जा रहा है, उसके लिए अभी आंदोलन करो। जो SC ST के जो लोग हैं, जो उसका सर्टिफिकेट देते हैं कि नौकरियां मिलेगी, वो नौकरियां नहीं मिले, वो तो जो सर्टिफिकेट होगा सिर्फ घर में सिस्टम में रखने के लिए होगा, क्योंकि नौकरियां तो रेलवे की गई, टेलीफोन की गई, पेट्रोलियम गया, जहां पर सरकारी संस्थाएं थी वहां की नौकरियों तो सब जाने लग रही, तो उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा, अपना आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो सब लोगों को निकलना पड़ेगा सड़कों के ऊपर, जब जब भी संयुक्त मोर्चा खोल दे आप उस पर निकलो, वो चाहे शहरी लोग हैं या गांव के लोग हैं या किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, उन सबको निकलना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस देश की जमीन मिट्टी को बचाना है तो इस आंदोलन में शरीक होना पड़ेगा, नहीं तो 2023 तक आधा देश बिकलेगा ये, और फिर बचा कुछ सेल फॉर इंडिया के बोर्ड लगेंगे देश में, शहरों में बोर्ड लगेंगे कि ये शहर भी बिकाऊ है, ये सब चीज बिकेगी, बनाया एक चीज नहीं और बेचने पर लगे हुए हैं, ये अब समझ में आ गया है। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो खासकर के ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो इस पर जरूर काम करें, ट्विटर पर काम करें, देश का किसान ट्रैक्टर पर काम करें, क्योंकि ये आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार हमारा ट्रैक्टर भी है। जब आदमी इस पर बैठता है, ये खेत में भी काम करता है और सड़क पर वो वापिस को लेकर जाओगे तो गाड़ी से कम खर्च आता है। तो आंदोलन में जब भी आप जाओ तो इसका भी इस्तेमाल करें, ये भी किसानों को बताना पड़ेगा कि गाड़ियों से नहीं ट्रैक्टर से आंदोलन होगा। एक ट्रैक्टर पे जब झंडा लगा हुआ, किसानी झंडा आप लगा कर देखोगे तो आने वाले जाने वाले लोग उसको देखेंगे कि किसान का झंडा लगा कर ट्रैक्टर पर लोग जा रहे हैं,
आप गाड़ी में चल रहे हो तो कोई नहीं देख लेगा। इसका भी इस्तेमाल करें। हमारे फोर्सेस के लोग वो टैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो टैंक, ट्रैक्टर और स्कूटर ये चलेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचना। जो हमारे एमपी एमएलए हुए, प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि जैसे सिलेंडर की सब्सिडी की अपील करी, उसी तरह से एक अपील ये भी कर दे कि जो एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, क्योंकि 2004 के बाद में कर्मचारियों की पेंशन खत्म हो रही है। उन लोगों को भी साथ में जोड़ना हमको है। तो ये बंगाल के लोग उसे जो यहां पे लोग आए, आप ये फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपस में चर्चा करते हैं, इन बातों की जरूर आप चर्चा करें कि जो बड़ी बीमारी दिल्ली के अंदर बढ़ती है, इसको देश से भगाना है। इसका सहयोग मत करें वोट के मामले में, ये देश को बर्बाद करेगी, इसको यहां से हटाना है। ये अपील हमारी संयुक्त मोर्चे की तरफ से आप लोगों को है। आप लोगों ने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्लादेश।